आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। धार में महिला से मारपीट करने वाले सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुक्रवार को धार जिले के ग्रामीण क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ अज्ञात लोग एक महिला को डंडे से बेरहमी से पीट रहे थे। ये वीडियो जिले के टांडा थाना के अंतर्गत ग्राम कोदी आंगनवाड़ी केंद्र से सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल SP मनोज कुमार सिंह ने महिला पर हो रहे अत्याचार को गंभीरता से देखते हुए टांडा पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर टांडा पुलिस ने तुरंत घटनास्थल की पहचान कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आरोपियों की तलाश में जुटी और देर रात्रि को ही पीड़िता महिला की रिपोर्ट पर 6 अन्य सहित 7 आरोपियों को धारा 307-34 में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता महिला द्वारा दूसरी शादी के लिए भाग गई थी। इसी बात को लेकर उसके ही परिवार के देवर, जेठ और ग्राम सरपंच नूर सिंह पिता जाम सिंह निवासी ग्राम कोकरी तथा अन्य ग्रामीणों ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस घटना पर राजनीति होने से पहले ही धार पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कल शाम में महिला की पिटाई के जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको धार पुलिस ने, मैंने स्वतः बहुत ही गंभीरता से लिया और तत्काल संज्ञान लेने के बाद महिला के रिपोर्ट पर 307-34 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को हम लोगों ने कल शाम में पकड़ लिया था और हमारी पूरी धार पुलिस की टीम ने रात में सारे आरोपियों को, 7 आरोपियों को पकड़ करके हम लोगों ने उसको हिरासत में ले लिया है और जो भी महिलाओं के साथ इस तरह का कृत्य करेगा उसके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन धार पुलिस महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं आम जन को, समाज के सभी लोगों को यह सुझाव भी देता हूं कि महिलाओं के प्रति सम्मान रखें, उनकी सुरक्षा का भाव रखें। किसी भी तरह की अभद्रता करने पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसा कि इस केस में 307 का प्रकरण पंजीबद्ध करके हमने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मैं पुनः रिपीट करता हूं कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है।